अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मुझे जानते हैं रिजवान अकरम क्लास के हवाले से, और डेली मैं एक नए मेहमान के साथ हाजिर हो रहा हूँ। और आज मेरे साथ हैं सारा खुर्रम, एजुकेशनिस्ट हैं, राइटर हैं, यूट्यूबर हैं और क्या कुछ हैं ये अब खुद बताएंगी। जी सारा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। और मेरा नाम सारा खुरम है। मैं पिछले 12 साल से टीचिंग फील्ड से मुंसलिक हूँ। सो मैं एक एजुकेशनलिस्ट और टीचर हूँ। बेसिकली जो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश और साइंस है। इंग्लिश मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है और उसके अलावा फिर मैंने सोचा कि मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को अपने हद तक ना रखूं और उसे दुनिया से भी शेयर करूं। तो इस हवाले से फिर मैंने अपना एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल। और शुरुआत तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से की थी, लेकिन फिर वो मोटिवेशनल भी हो गया, एजुकेशनल भी हो गया, इंफॉर्मेशनल भी हो गया। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ लाइफ के, और उसके साथ साथ फेसबुक पे मैं होस्ट हूँ। जैसे आप शो करें इसी तरीके से मैं भी एक शो करती हूँ, दी सारा खुरम शो। उसमें मैं इनवाइट करती हूँ गेस्ट को, और उसका असल मकसद ये होता है कि जितने भी प्रोडक्टिव या प्रोफेशनल लोग होते हैं तो वो आज जिस लेवल पे हैं, लेकिन उस लेवल पे पहुँचने के लिए उनको काफ़ी मेहनत दरकार होगी, काफ़ी स्ट्रगल्स होंगी। तो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लोग जो है देख के एक टैग लग जाता है कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये आर्किटेक्ट है, लेकिन उससे पीछे जो उन्होंने स्ट्रगल की है, तो उसको जानने के लिए जो है कि उन्हें ये जो अचीव किया है उससे पीछे स्ट्रगल क्या थी, तो वो फिर मैं उन लोगों को इनवाइट करती हूँ, जानती हूँ, ताकि एक मोटिवेशन मिल सके, इंकरेजमेंट मिल सके। तो मेरे शो का मकसद ये है। तो मैं फेसबुक पोस्ट भी हूँ, मैंने काफ़ी मेरे ख्याल से डिटेल में बता दिया। और राइटर ये है कि रिसेंटली मैंने 2 बुक्स पे काम शुरू किया है, पब्लिश नहीं हुई, इनशाला टारगेट ये है कि इस साल के एंड में मेरी दोनों किताबें जो हैं वो आ जाएं, उस पर मैं काम कर रही हूँ। एक तो है मेरी ज़िंदगी के बारे में है, जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर करूंगी, और दूसरी मैं इंग्लिश लैंग्वेज की एक सीरीज बना रही हूँ, अपना कोर्स जो है वो डिज़ाइन कर रही हूँ। और रीडर पिछले 1 साल से कुछ ज़्यादा शौक हुआ है किताबें पढ़ने का, तो आप कह सकते हैं कि बिगिनर रीडर कह लें, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा सर, जैसे आपने बताया आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस भी बना रही हैं। हमारा जो टॉपिक है कि टीचर एज अ रोल मॉडल और एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या समझती हैं कि टीचर आज बहसियत रोल मॉडल अपना किरदार अदा कर रहा है या सिर्फ एक एम्प्लॉयर की अदात या एम्प्लॉयर की जो बातें हैं सिर्फ उनको फॉलो कर रहे, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, देखें, बहुत सारे लोगों की बहुत डिफरेंट सोच है। मैं सबकी बात तो नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो ज़्यादातर मकसद है, ऑब्वियसली आई वांट टू बी अ रोल मॉडल एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोल रही, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं रोल मॉडल हूँ भी। और उसकी वजह क्या है, असल में जैसे सवाल और टॉपिक आपने काफ़ी अच्छा सर आपकी रखा है। थोड़ी सी आवाज हल्की, थोड़ा सा अगर आप ऊंची बोले तो ज्यादा ओके क्लियर ओके होगा। ओके जी। मैं आपका जो सवाल है, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? जी गुड। कि एक जो टीचर है वो बहसियत एक रोल मॉडल उसे बनना चाहिए, या रोल मॉडल है, या फिर वो जो सिर्फ एक एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा मानना ये है कि अगर तो आप एक रोल मॉडल बनोगे ना, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी अच्छे बन जाओगे, और उसके साथ साथ जो आजकल बना हुआ है, मैं जज नहीं करती किसी को, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ आपने एजुकेशन हासिल की, लड़कियां पढ़ रही होती हैं और उन्हें अपनी फीस निकालनी होती है। जैसे एजुकेशन आजकल बहुत ये ट्रेंड है कि आप खुद पढ़ रहे हो और स्टूडेंट भी, और फिर टीचिंग भी कर रहे हो, इस तरीके से फील्ड में चले गए, तो उनका ज़्यादातर बहुत सी उनमें ऐसी भी हैं जो सच्चे दिल से पढ़ाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि वो खुद ऑलरेडी स्टूडेंट होती हैं, वो खुद इतनी मेच्योर नहीं हुई होती। ऑब्वियसली उनका जो बैकग्राउंड मकसद होता है वो ये होता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी जॉब को जॉब करें, और उसके बाद उन्हें बस उसकी सैलरी मिल जाए और फिर उससे उनका काम हो सके। तो इस तरीके के ज़रूरी नहीं कि वो स्टूडेंट्स हो। बहुत सारी ऐसी खवातीन या बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं होते, लेकिन बहुत सारे सिर्फ इस मकसद से जाते हैं कि हमारी अर्निंग हो। ठीक है जी। तो अगर तो आपका ये मकसद है, तो
आप कामयाब, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक अच्छा टीचर हैं या कहलाएंगे। आई नो कि हर चीज़ के एक आजकल एक कीमत है ऑब्वियसली, और इंसान अपना फ़ायदा भी देखता है, लेकिन अगर तो आप सच्चे दिल से इस नीयत से बच्चों को पढ़ाएं, जैसे मैं सबको हटा के अपनी तरफ आती हूँ, तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं जिसको भी पढ़ा लूँ, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई मेच्योर बंदा हो, तो मैं जो सिखा रही हूँ ना वो उनको समझ आ जाए, और जो मैं मतलब अपनी नॉलेज देना चाह रही हूँ वो उनको डिलीवर हो जाए और उससे उनका फ़ायदा हो। बेशक मुझे कई बार आप यूँ कह लें जो फीस वगैरह, ये इतना फायदा नहीं होता पा लिया, लेकिन कहने का मकसद ये है। एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है, कैन आई अटेंड? जी जी आप मुझे बैक स्टेज कर दें, श्योर श्योर बैक स्टेज कर दीजिए प्लीज। जी इस वक्त सारा अवेलेबल नहीं है हमारे साथ फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स, उनकी कोई कॉल आ चुकी है और तो अभी दोबारा हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी जी सॉरी फॉर सर, आप दैट। बात कर रहे थे टीचर एज अ टीचर कौन से? हाँ जी, तो बस मैं यही बात कर रही थी कि इंसान को इस तरीके से पढ़ाना है कि आपने उन बच्चों को उठाना है एज अ टीचर जो वीक है। कई बार हमारा ऐसा होता है कि हर हर इंसान, हर टीचर उस बंदे को, उस स्टूडेंट को इनकरेज कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी अच्छा है। लेट सपोज एक बच्चा जो उसको पेरेंट्स की तरफ से भी तवज्जो मिल रही है, या कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी कुदरती तौर पे इतने शार्प होते हैं या उन्हें शौक होता है, तो उसमें होता ये कि हर बंदा उन्हें अप्रिशिएट कर रहा है। अब उन बच्चों का क्या जो किसी भी चीज़ में या किसी भी वजह से वीक हैं, सिर्फ उन्हें एक पुश की ज़रूरत होती है। अक्सर औकात ऐसा होता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बेमकसद पैदा हुआ, हर इंसान का कोई ना कोई मकसद इसलिए पैदा हुआ, कोई भी बेकार या बेमकसद नहीं है, ठीक है जी। लेकिन होता यह है कि हम जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन उनसे कभी कभी इंसान जो है वो चिढ़ खा जाते हैं, टीचर्स भी उन्हें डिग्रेड कर रहे होते हैं, अरे तुम्हें तो कुछ आता नहीं, या तुम जाओ, या अक्सर धुतकार देते हैं, ऐसा कुछ लफ्ज़ आप कह लें। तो उसमें होता यह है कि वो जो बच्चा है ना जिसमें साहियत है कि उसे ज़रा से पुश से वो कुछ कर सके लाइफ में, लेकिन वो बच्चा और डिग्रेड हो जाता है, और उस डिग्रेड होने के साथ साथ जो है वो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो होने लगती है। तो रोल मॉडल बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक टीचर को पता हो कि उनका कौन सा स्टूडेंट वीक है, कौन सा शार्प है, किस स्टूडेंट को उसकी मेंटालिटी के हिसाब से कैसे लेके चलना है। तो मैं तो इसके बारे में यही कहूँगी जी। सारा आपने बता दिया कि ये तो टीचर का है कि टीचर किस तरह बच्चों को लेके चलेगा, लेकिन मैं ये दूसरा कह रहा हूँ कि आजकल जो हमारे इदारे हैं, किसी एक का नाम लिए बगैर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो एक बिजनेस तो रन कर रहे हैं, और शायद टीचर को पे भी किसी जगह पे वो अच्छा कर रहे हो, किसी जगह पे नहीं कर रहे, लेकिन क्या वो टीचर को जब सिलेक्ट करते हैं क्या वो रोल मॉडल के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट और प्रेस्टीज को देख के सिलेक्ट किया जाता है? जैसे आपने बिजनेस की बात की है, तो बिजनेस में ऑब्वियसली बंदा ना ज्यादातर ऑब्वियसली बिजनेस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन जो भी इंसान बिजनेस शुरू करता है चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, तो उनकी कोशिश होती है कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो अगर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट किसी की बात करें, ज़्यादातर होता यह है कि मकसद तो यही होता है कि आपकी प्रॉफिट रनिंग हो। अब आपके पास कोई भी टीचर है, जैसे से पहले मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को भी ले लेते हैं। अगर तो आप रोल मॉडल के लिए आपने प्रॉपरली करना है, तो फिर आप एक प्रॉपर टेस्ट होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, पूरा एक क्राइटेरिया होता है, उससे गुजर के आप एक टीचर को रखो, तो उनका लेवल अलग होता है। लेकिन अब ऑलरेडी वो बच्चियां, वो लड़कियां जो यूनिवर्सिटी भी जाना है उनको, या उस मॉर्निंग में वो जॉब कर रही हैं और फ़ौरन फ़ौरन उनको टेंशन है कि असाइनमेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी जाना है, वो फ़ौरन से जॉब के बाद चली जाती हैं। तो अगर, और ये सिर्फ एक स्कूल का नहीं, आप देख लें
मतलब हजारों स्कूल भरे पड़े हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो अगर तो आप इस तरीके से करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपका मकसद जो है इस बिजनेस के पीछे वट एवर एक जो है रोल मॉडल के लिए है, वो भी फिर एक एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखते हैं। और जब आप एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की नीयत से आप रख रहे हैं कि आपका प्रॉफिट हो, तो वो लोग भी वैसे ही काम करके देंगे। उनका भी काम क्या है कि वो जो है इसी तरीके से अपना काम किया, सिलेबस जो भी रिक्वायर है वो पढ़ाया, अब वो बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, वो यूजफुल था कि नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, वो भी चली गई। तो वहाँ जो सारी पिस्ता है तो वो बच्चा है ना। तो कोई टीचर उस तरीके से काम करेगा कि बच्चे को वीक, जैसे मैंने डिस्कस किया आपको, वीक और स्टूडेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट को टीचर को मालूम होता है कैसे उठाना है, लेकिन फिर वो उस पर वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ना तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको इतना सपोर्ट होगी, ना वर्कशॉप होगी, ना ट्रेनिंग होगी, ना प्रेशर होगा। बैकग्राउंड से प्रेशर ये होता है प्राइवेट सेक्टर का ज्यादातर, कि सिलेबस दे दिया है आपने टीचर्स को, दे देते हैं एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू कम्प्लीट दिस सिलेबस एट दिस टाइम, और आपने इस टाइम पे करा देना है। अब वो टीचर है, वो जैसे भी कराए, चाहे वो डांट के कराए या मार के कराए, मार तो आजकल इतनी अलाउ नहीं, लेकिन बैकग्राउंड पे फिर भी सब कुछ चल रहा होता है। मैं आपको पर्सनली अंदर की बात बता दूं तो थोड़ा बहुत सब कुछ चल रहा होता है। तो कहने का मकसद ये कि मैं नहीं देखती रोल मॉडलिंग और ये सब इतना ज्यादा, ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों से जो मैं देख रही हूँ, होता होगा कहीं बट मैंने नहीं देखा। सारा जैसे आपने कहा कि रोल जैसे मॉडल आपने कहा आपको कि नजर रोल नहीं मॉडल आते, आपको नजर नहीं आते, हम जो हमारे जो बेशतर टीचर हमारे से बेशतर टीचर से जिनसे हमने पढ़ा, हम उनकी बहुत हम शदीद उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते शदीद थे, रिस्पेक्ट करते करते थे, हैं आज भी। करते हैं आज भी। बिल्कुल। आज वो का शायद क्या स्टूडेंट टीचर को इस था काबिल नहीं या समझता कि टीचर उसकी को इस इज्जत काबिल की नहीं जाए, समझता कि उसकी इज्जत की जाए, या टीचर इस काबिल नहीं है या कि उसकी टीचर इस इज्जत की काबिल जाए? नहीं है कि उसकी इज्जत की जाए। 50-50 यू कैन से 50-50 डिपेंड्स। देखें हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, जरूरी नहीं कि हर टीचर ऐसा हो, आज भी और जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट ऐसा हो, ठीक है, हर जगह हर किस्म के लोग हैं। तो हमारे दौर की, जैसे मैं भी अपनी बात करूं, तो आज भी हम अपने टीचर्स को नहीं भूल पाए, हालांकि मुझे तो याद है उस दौर में ना तो उनकी इतनी सैलरी होती होगी ना तो इतना, लेकिन वो एक होता है जमाना आप कह लें या दौर, दौर की बात है। आजकल डिजिटलाइज जमाना हो गया, दौर है। अगर आप उस दौर की बात करें तो हम 90s की पैदावार है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 90s का जो एरा था वो हमने हर चीज़ यानी बेसिक से लेके टेक्नोलॉजी तक देखा है, लेकिन आज के दौर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिजिटल एरा में पैदा हो रहे हैं। उनको जो ये मिसाल देने का मकसद ये कि वो जो रिस्पेक्ट का जो एक आंसर है, या वो जो एक चीज़ें होती थी, वक्त देना लोगों को, तहजीब तमीज़ और कल्चर बताना, ट्रेडिशन बताना, वो चीज़ें माने ना माने अब एज सच नहीं है जैसे पहले दौर में थी, क्योंकि आज इतना 24 दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे होने के बाद भी हर बंदे के पास, ये नहीं कि वो मुंह से बोल रहा, वाकई में वक्त होने के बाद भी वक्त नहीं होता, चाहे वो बंदा खुद वेला क्यों ना बैठा। सिंपली मैं ये जुमले आपसे कहूंगी कि वो बिल्कुल फ्री बंदा हो, लेकिन आई डोंट नो, वक्त की कदर नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है और वक्त भी नहीं है। अब किसी भी बंदे से आपने बात करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर से बात करने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। तो ये एक जो आंसर आया है, ये एक आप डिजिटलाइज एरा का कह लें या सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज, जैसे जहाँ पे फायदे बहुत हैं तो नुकसान भी हैं, तो इन चीजों की वजह से वो रिस्पेक्ट, वो लेवल, वो चीजों में कमी आती जा रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन या ख्याल है। आई डोंट नो आप बाकी लोग इससे मुत्तफिक हों कि नहीं हों, तो आपका क्या ख्याल है वैसे इस बारे में? आप भी एक टीचर हैं आई थिंक सो, आप क्या कहते हैं? सारा मैं सही कह रहा हूँ? मैं तो बस इसे उस्ताद ये समझता हूँ कि उस्ताद ये अगर समझता हूँ तो कि अगर मेरे तो में कुछ मेरे में होगा तो कुछ स्टूडेंट मेरी रिस्पेक्ट होगा कर तो लेंगे, स्टूडेंट मेरी रिस्पेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अदरवाइज आई नेवर एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी एनीथिंग स्टूडेंट। फ्रॉम लाइक मैंने एनी कभी ये स्टूडेंट, सोचा लाइक भी मैंने नहीं कभी ये कि सोचा मेरा नहीं स्टूडेंट कोई मुझे मेरा जाते स्टूडेंट हुए कोई गुजरते मुझे हुए जाते मिलेगा हुए और गुजरते रोक हुए के मुझे मिलेगा और सलाम रोक करेगा, के आई मुझे नेवर सलाम एक्सपेक्टेड करेगा, ना। ये अच्छी चीज़ है। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अगर होते आप तो फिर आपको एक्सपेक्ट नहीं दुख कर नहीं रहे होता, होते तो फिर आपको दुख नहीं होता। हाँ, जो लोग एक्सपेक्ट करते जो हैं लोग और एक्सपेक्ट फिर वो इस करते हैं काबिल नहीं और होते हैं फिर तो फिर वो उनको दुख भी काबिल नहीं होता है, और होते फिर वो हैं स्टूडेंट को दुश्मन भी स्टूडेंट बना लेते हैं को और उनसे दुश्मन भी बदला लेने बना की लेते कोशिश हैं और करते उनसे हैं। बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इतने लेकिन हों अगर आप तो फिर इतने स्टूडेंट्स हों तो आपको फिर रिस्पेक्ट देते स्टूडेंट्स भी आपको हैं, रिस्पेक्ट देते भी हैं, आपको फोन करके तो आपको बर्थडे फोन भी विश करके तो करेंगे, बर्थडे विश करेंगे, चाहे वो आपके एक्स हो चाहे चुके वो हों आपके कितने एक्स हो सालों चुके के, हों कितने सालों के, और जब भी आपको और मिलेंगे जब भी वो आपको बड़े अच्छे मिलेंगे तरीके से वो पेश बड़े अच्छे आएंगे, तरीके से पेश आएंगे। तो अगर स्टूडेंट रिस्पेक्ट नहीं अगर करता तो स्टूडेंट इसका रिस्पेक्ट मतलब नहीं है करता तो कि इसका मतलब आपके है अंदर कि कुछ, आपके अंदर कुछ कमी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, पॉइंट मे ऑफ बी, व्यू है। मे बी आई मेरे एग्री विद साथ यू, जो मेरे साथ जो कम्युनिटी है वो सबसे कम्युनिटी है वो डिसएग्री कर डिसएग्री सकती है, कर जो सकती मेरे है। साथजा हैं।
ताज़ा है। अच्छा, दूसरा इसमें सारा मुझे बताइएगा कि अब ये जो रिस्पेक्ट गेन करनी है हमने, जितने भी आप कह लेंगे टीचर आगे हैं, मजबूरी से आगे हैं, खुशी से आगे हैं, जिनको कुछ और नहीं आता था वो टीचर बन गए, अब हो गया, अब क्या करें, वो फंस तो गए हैं, अब वो रिस्पेक्ट भी चाह रहे होते हैं, सैलरी भी अच्छी चाह रहे हैं, लेकिन अब वो रोल मॉडल भी किसी तौर पे वो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए सबसे अहम बात है दे नीड टू पुट सम एफर्ट फ्रॉम देयर साइड, उन्होंने खुद एफर्ट करनी है। अगर इफ देखें इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। एक और कॉन्सेप्ट भी है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, अगर टीचर हैं या माँ बाप हैं, इनकी तो रुतबे बताए गए हैं हमेशा, हम सबको पता है कि माँ बाप और उस्ताद से जबान नहीं चलानी, बदतमीजी नहीं करनी, इनका अदब है, इसको करें बदतमीजी करेंगे तो ये होगा वो होगा, ये सब हमें बचपन से पता है, ये हमारे बिलीव्स भी हैं और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है। लेकिन अगर हुकूक की और राइट्स की बात की जाए तो फिर स्टूडेंट्स हो गए, चाहे वो आपकी औलाद हो गई, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। बीइंग अ टीचर बीइंग अ बंदर, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कई बार हम इस इज्जत इस रिस्पेक्ट का मिसयूज़ करते हैं। जैसे अगर एक पेरेंट्स हैं तो वो सोचे हम माँ बाप बन गए तो हमारा रुतबा बड़ा है तो हमारा बच्चा हमसे बदतमीजी नहीं कर सकता, या टीचर हैं तो बोले मैं तो टीचर हूँ। अब वो टीचर अपना अगर वो उसको नहीं पता कि वो कितनी गलतियाँ कर रहा है, लेकिन अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये बच्चा मेरी इज्जत करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक जो बच्चा है उनके भी तो हुकूक हैं, आप देख लें बचपन से इज्जत का जो एक आंसर कह लें कुछ, वो बचपन से एक बच्चे में, अब मेरी बेटी छोटी 2 साल की है, अगर वो भागते हुए गिर जाएगी ना और उसे कोई नहीं देखेगा तो फौरन से उठेगी और सेट होगी और जो है क्या कहते हैं सही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने उसको देख लिया और कह दिया कि ओ क्या हुआ, तो उसमें होगा क्या, यहाँ रिस्पेक्ट आ गई। बच्चों को बचपन पता होता है कि अब वो इसलिए नहीं रोगी कि उसे चोट लगी, क्योंकि चोट नहीं लगी, लेकिन वो इसलिए रोगी कि मुझे लोगों ने देख लिया, मेरी अनकॉन्शियसली बचपन से ये होता है। तो यहाँ समझने की जरूरत है, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो पहले आप भी रिस्पेक्ट दें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को। और मेरा मानना यह है कि जो जो बड़े होते हैं, जो टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, मैं पेरेंट्स को भी इंक्लूड करूंगी, तो उनको पता है कि जो बच्चे हैं एक एज में उनकी एक एज ऐसी आती है कि वो टीन एज जो होती है, जो बाकी की एज आती है या वट एवर, तो उसमें बच्चे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, बहुत डिफरेंट प्रोसेस होता है, तो उसमें बच्चे जो है ऑटोमेटिकली जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि आप बच्चों से जिद लगा के बैठ जाएं, आपने भी जो है उनसे गुस्से में ही बात करनी है, आप उसको समझें, आपने थोड़ा पेशेंस रखना है, आपने तरबियत करनी है, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो पेरेंट्स हों, आपने समझना है। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों को मतलब लोहे को भी पिघला देती है। तो आप यूं कह लें कि आपने रिस्पेक्ट देनी है तो आपको मिलेगी, ये नहीं है कि हम यही सोचें कि एक स्टूडेंट है तो उसने हमारी रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि हम टीचर हैं। अब बेशक हम टीचर अच्छे ना हो, बेशक हमारा जो है बॉडी लैंग्वेज अच्छी ना हो, बेशक हमारा लबो लहजा अच्छा ना हो, बेशक हम बहुत सख्त हों, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट करना है कि जो है बच्चे ने हमारी इज्जत करनी है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ है, अगर आप इज्जत चाह रहे हैं, रोल मॉडल बनना चाह रहे हैं, तो इन गहराइयों को भी समझना जरूरी है। सारा इसका मतलब ये है कि आपको खुद अच्छा टीचर बनना पड़ेगा, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीचर आप बने और आप एक टीचर की तरह आपकी रिस्पेक्ट हो। इस एक्सपेक्ट तो आप फिर भी ना करें, जैसे आप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि एक्सपेक्ट नहीं करते, ये ज्यादा अच्छा है, मैं मैसेज देना चाहूंगी, एक्सपेक्ट आपने फिर भी नहीं करना। अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली इज्जत और वो मिल जाए तो वो बड़ी खुशी होती है। लेकिन अगर क्योंकि बच्चे बच्चे हैं और आज का दौर, जैसे ये मैं इसलिए कह रही हूँ, डिजिटलाइज दौर है, बहुत सारी चीज़ें, अब एक बच्चा जिसको आपने पढ़ाया, आपने उसे देख लिया, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बच्चा यहाँ से जा रहा है ये मुझे ज़रूर सलाम करेगा या रिस्पेक्ट, और आपने बड़ी एक एक्सपेक्टेशन लगा ली कि वो बच्चा आके वो बोले अरे मैं सारा आप ये या सर रिजवान आप, अब वो बच्चा वहाँ से गुजरा, उसके हाथ में मोबाइल था चला गया, बेशक उसका इंटेंशन ये नहीं थी कि वो आपको इंसल्ट करे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन, बोले यार ये कितना बदतमीज बच्चा है, हमारी फिर जजमेंट आ जाती है, ये देखो इसने मुझसे सलाम नहीं किया, कितना बदतमीज है, हमने तो उसे इतने प्यार से पढ़ाया था, इतनी इज्जत की थी, ये स्कूल में तो ऐसा था ऐसा था। तो ये भी चीज़ है, एक्सपेक्ट ना करें, अनएक्सपेक्टेडली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप रोल मॉडल बनते हो ना तो आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके, आप कासिम अली शाह साहब की मिसाल लें, आप अशफाक अहमद साहब की मिसाल लें, तो बड़े बड़े नाम है। लेकिन मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मैं कोई इतनी बड़ी या खास नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
किया, तो अल्लाह का बहुत करम है, यह नवाजिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जितने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में पढ़ाया वो छोटे से माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन बहुत अल्लाह का रहम है कि वो मेरी इज्जत करते हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं पड़ता आज तक ऐसा मेरे पास नहीं आया कोई स्टूडेंट, तो ये मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत करम है। और इस पर मैंने मेहनत भी की, इस पर मैं नीयत मेरी साफ थी, सच्चे दिल से काम किया। जैसे आप रोल मॉडल की बात करें, वट एवर, आई डोंट नो कि मैं उनकी रोल मॉडल इतनी ज़्यादा हूँ कि नहीं, लेकिन कुछ के लिए हूँ जो मुझे बार बार मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, आज भी याद रखते हैं मैं सारा दिमाग, तो ये चीज़ है। सारा आपका शुक्रिया। मैं आखिरी बात आपसे पूछूंगा, फिर आपके कीमती वक्त से इजाजत चाहूंगा। जो टीचर है वो क्लास के अंदर ज़ाहिर है डिफरेंट, आपने बताया कि स्टूडेंट्स होते हैं और हर एक डिफरेंट माइंड के साथ होते हैं और हर एक डिफरेंट माइंड के साथ, अब एक टीचर कैसे इन सबको लेके चले, लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है, एवरेज भी है, लो एवरेज भी है, लो एवरेज भी है। अच्छा, इसका ये है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जैसे पढ़ा रही होती हूँ तो हर किस्म के बच्चे होते हैं, एक क्लास में आपको अलग अलग बैकग्राउंड से हर, मतलब जीरो टू हाई, मतलब हर बंदा, कोई जो है गली कूचे का भी स्टूडेंट होता है, कोई जो है थोड़ा हाई फाई जगह इलाके का भी होता है, तो हर डिफरेंट इलाके के बच्चे आते हैं और अलग तरीके का उनका उठना बैठना माहौल होता है। और आपने उनके साथ एक क्लास में एटलीस्ट अगर 20 बच्चे हैं तो आपने 20 दिमागों के साथ टैकल करना है, ठीक है, 20 डिफरेंट दिमाग। उनमें से कोई बहुत शरारती होगा, कोई बहुत इरीटेटिंग होगा, कोई बहुत शाय होगा, कोई बहुत बदतमीज भी होगा, ऐसे होते हैं हर किस्म के बच्चे। इसमें यही तो बात है, रोल मॉडल बनना जो हमारा टॉपिक भी है, इतना आसान नहीं है। इसमें भी एक टीचर को चाहे ना चाहे, या तो वो इतना मेंटली स्ट्रांग हो और उसमें पेशेंस इस चीज़ का कि मुझे इस माहौल में रहते हुए अपनी आवाज़ ऊंची किए बिना कैसे काउंसलिंग करके कैसे उस रूड स्टूडेंट को भी या कैसे उस शरारती स्टूडेंट को भी कैसे कंट्रोल में लाना है। और मैंने ये स्ट्रेटजीज की हैं और यकीन माने चाहे वो बच्चा नॉटी हो, इरिटेटिंग हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता हो, लेकिन अगर आपने इज्जत मोहब्बत वक्त देके प्यार से समझा दिया थोड़ी देर कि बेटा मुझे लेक्चर देना है, आप थोड़ा सा, आई डोंट नो ये बाकी लोगों के लिए अप्लाई होता कि नहीं, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि बेटा आप जो है, मैं लेक्चर दे रही हूँ और क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो प्लीज़ गिव सम टाइम टू मी टू जस्ट कम्प्लीट इट, और उसके बाद हम जो है ये एक्टिविटी करेंगे। और मैं यूँ करती थी, चाहे वो बड़े मैट्रिक की क्यों ना हो, मैं कहती थी ओके स्टूडेंट्स बहुत हो गई पढ़ाई, पहले हम ये काम करते हैं, ये लेक्चर कर लेते हैं, या आप ये कर लो, ये ऐसे लिख लो, या वट एवर, सेल्फ रिटर्न करें, और उसके बाद जिसने अच्छा किया तो हम जो है उनको अप्रिशिएट करेंगे। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी कि जो है कभी कभी गिफ्ट भी, सम टाइम्स, ये बहुत लोग नहीं करते लेकिन छोटा ही सही, लेकिन आप कोई भी गिफ्ट दे दें, पेंसिल ही क्यों ना दे दें, या फिर कहें कि उनका बोर्ड पे नाम लिखा जाएगा बेस्ट स्टूडेंट में, और मैं बाकी स्टूडेंट्स को रिसेस में बुला के, ब्रेक में बुला के बताऊंगी कि इस बच्चे ने आज विन किया है। यानी छोटी छोटी बातें बच्चों को भरोसे में ला, बच्चों को इनकरेज करें, तो वो बच्चे फिर टैकल हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस चाहिए, इसका सिंपल ये कि पेशेंस टीचर को होना, और टीचर ने ही अपने आप पे काम करना है, तो ही वो रोल मॉडल बन सकेंगी और तो ही वो जो है एक इज्जत भी पा सकेंगी। सारा आपने बड़ी जबरदस्त बातें की, और आपने टीचर्स के लिए रोल मॉडल बनने के लिए जो अपनी मिसाल भी दी, और आपने बताया भी कि कैसे वो बन सके, ये बातें मेरे लिए यकीनन फायदा मंद है, और हम आपसे दोबारा भी गुफ्तगू करते रहेंगे इस मामले में, और इंशाल्लाह जब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम आपसे बुक्स के हवाले से रिव्यूज देंगे कि जो बुक्स आप समझते हैं कि टीचर्स के लिए बड़ी जरूरी है। एक है मेरे पास इस वक्त, शुड आई शेयर विद यू गाइस, ये रखी थी और मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा, ये मैंने रिसेंटली मंगवाई थी, हालांकि माशाल्लाह इतना जो मैंने आज आपको लेक्चर में जितनी भी चीज़ें बताई ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, समझे, ये मैं भी इस पर किताब लिख सकती हूँ अगर लिखना चाहूँ तो, लेकिन अब इसको मैंने पढ़ना है, ये मैंने खुद नहीं पढ़ी, बिल्कुल न्यू है, आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसके पेजेस, लेट मी जस्ट शो यू, थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये उन टीचर्स के लिए ये जो रोल मॉडल बनना चाहते हैं, इसकी हालत देखने बिल्कुल न्यू है, तो ये मुझे भी पढ़नी है इंशाल्लाह। ये है मिसाली उस्ताद, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं, हाँ, मिसाली उस्ताद बाय अख्तर अब्बास। अख्तर अब्बास एक तरबियतकार, मुसन्निफ और अफसाना निगार है, और ये तकरीबन 35 किताबें इन्होंने आज तक शाया की हैं, लिख चुके हैं, काफी अच्छी सेल्फ हेल्प के बहुत अच्छे काउंसलर हैं, सेल्फ हेल्प पे काम करते हैं, और तो उन्होंने ये किताब लिखी है, ये जरूर बहुत फायदेमंद होगी, जिसे मैंने इंशाल्लाह जरूर पढ़ना है, तो ये मैं हाईली सजेस्ट करूंगी। इसकी कुछ चीजें मैंने देखी नहीं, इसमें असल मकसद है कि मिसाली उस्ताद बनने के लिए इसमें रिसर्च है कि पूरी दुनिया में जो बेस्ट रोल मॉडल या बेस्ट टीचर्स हैं तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, तो इसमें ये
वो चीजें कि मैं रेकमेंड करूंगी न्यू टीचर्स के लिए या जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में उनके। जबरदस्त सारा, आपका बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि आपकी शायद कोई कॉल भी आ रही। थैंक यू सो मच सारा, आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की, और इंशाल्लाह ये सब लोग जो सुनेंगे बाद में और अभी उनके लिए बहुत फायदा मंद होंगे। इंशाल्लाह ये सब लोग, थैंक यू सारा, बाद में और अभी उनके लिए बहुत फायदा मंद होंगे। थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच।